बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 के अंदर आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे पहले हमने पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का इंट्रैक्शन पढ़ा था कि किस तरह हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को इनिशिएट करता है या स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड था, इसको हमने एक टर्म क्या था कि इट इज़ अ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, सही। सो पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर से एक और नाम दिया जाता है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, ठीक है, ये लोकेट करता है ब्रेन के अंदर, लोकेटेड इन ब्रेन टेम्पोरल रीजन, ठीक है, यानी जिस तरफ आपकी कनपट्टी होती है इसके अंदर करके होता है, ठीक है, कनपट्टी के अंदर करके रीजन, ठीक है, फोर ब्रेन से नीचे होता है और मिड ब्रेन से ऊपर, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में तकरीबन होता है। और इसका जो साइज़ है ये यानी वो छोटा सा होता है, 0.5 ग्राम का, ठीक है, जिस तरह मटर का दाना नहीं होता, आप कह लें कि जिस तरह मटर होता है, मटर का दाना जो सा होता है उस तरह का होता है, बिल्कुल सही। और ये इन्फेंडिबलम के साथ अटैच होता है, इन्फेंडिबलम जिसके ज़रिए ब्रेन के साथ ये अटैच होता है, ठीक है, नहीं छोटा सी स्टाक लाइक स्ट्रक्चर जिस तरह तना होता है उसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है, सही। और हैव थ्री लोब्स, ठीक है, या डिवाइड इनटू थ्री लोब्स कह लें कि इसकी तीन लोब्स होती हैं, उसके अंदर एक इंटीरियर है, फिर एक पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर और एक मीडियन लोब है, सही। तीन लोब्स हैं टोटल पिट्यूटरी को, हम तीन लोब्स में डिवाइड करते हैं और उसमें इंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियन लोब है। और ये इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये बहुत से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और उनमें ज़्यादातर ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं, ठीक है जी, प्रोड्यूस ट्रॉपिक हार्मोन्स। ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या करते हैं, ये विच इनिशिएट, ठीक है, या फिर एक्टिवेट कर लें, एक्टिवेट अदर ग्लैंड्स, सही, यानी इस तरह दूसरे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम इसको डायग्राम के अंदर देखें, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, फोर ब्रेन से नीचे मौजूद होता है, ये आपको नज़र आ रहा है। सो ये हाइपोथैलेमस, यहाँ पे देखते हैं, ये आपका पूरा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ये लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस के साथ ये अटैच नीचे ना, थोड़ा सा टेम्पोरल कनपट्टी का जो सा कहने के एरिया उसकी उसकी तरफ मौजूद होता है, और बिल्कुल छोटा सा मटर के दाने जितना होता है ये। और इसके लोब्स होती हैं, यहाँ पर दो लोब्स दी हुई हैं, इंटीरियर है और एक पोस्टीरियर है, हालांकि बीच में एक मीडियन लोब भी होती है, ठीक है, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मीडियन, पिट्यूटरी कह लें या मीडियन लोब कह लें कि चीज़ है। और फिर इसके नीचे ये मिड ब्रेन है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है, और हाइपोथैलेमस का इससे लिंक होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स थे जिन्हें हमने कहा था कि वो हार्मोन्स बनाते हैं और इसकी तरफ भेजते हैं, और इवन पिट्यूटरी ख़ुद भी हाइपोथैलेमस से ही एक्टिवेट होता है, सही। तो अब हम इसके हार्मोन्स पढ़ेंगे, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड हमने इसके तीन लोब्स कर दी, मतलब एक इंटीरियर है, पोस्टीरियर एंड लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, मीडियन लोब, सही। इंटीरियर लोब जो है ना, ये बेसिकली ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है, क्योंकि ये बहुत से हार्मोन्स बनाता है, जिसके अंदर एक एसटीएच है, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन से हम कहते हैं, एक टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक उसमें से आ जाएगा एसीटीएच है, एड्रिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, और फिर एक गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन है, गोनेडोट्रॉफिक जिसे हम जीएच भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन नहीं है ये गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन है, ये चीज़ें मैंने आपने
पोस्टीरियर से हमारे पास दो हार्मोन्स आ रहे होते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन है और एक है ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन। मीडियन से हमारे पास सिर्फ एक है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम MSH कहते हैं, MSH। ठीक है, अच्छा इनकी एब्रीवेशंस हैं, इनकी एब्रीवेशन स्टैंड फॉर किस तरह है वो भी आपको पता होना चाहिए। मतलब सबसे पहले STS था, स्टैंड फॉर सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, सही। TSH है जो कि क्या बनेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ACTH है एड्रीनो कार्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनो फिर आता है कार्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, यानी इतना लंबा नाम है इसका, ठीक है, एड्रीनो कार्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। GH है ये गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन है, ट्रॉफिक गोनेडो ट्रॉफिक हार्मोन, सही, ठीक है। तो ये एब्रीवेशंस हैं। इवन जो गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन है ना, इसके अंदर भी मुख्तलिफ हार्मोन हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक LH है जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहेंगे, LU बल्कि SI engine न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और मेल्स के अंदर जो है ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जगह पे एक ICSH होता है, ICSH इट इज स्टैंड फॉर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इतने मुश्किल मुश्किल नाम है, आपको जहन में रखने पड़ेंगे। उनका फंक्शन भी इनके नाम से लिंक है, यानी एक दफ़ा आप उनके नाम जहन में आ जाएंगे, आपको उनके फंक्शंस को ज़्यादा रिपीट नहीं करना पड़ेगा, आप खुद जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक और हारमोन है गोनेडोट्रॉफिक के अंदर, मैं बता देता हूँ, डेट इज़ FSH, डेट इज़ फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सही। अगर आप देखें तो इसके अंदर ट्रॉफिक हार्मोन है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फिर ट्रॉफिक हार्मोन है, इस तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो जितने भी हार्मोन बना रहे हैं या तो आगे जाके स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, यानी खुद रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि आर्गन को जाके स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमेशा जो हारमोन्स बनाता है वो स्टिमुलेटिंग हारमोन्स होते हैं, या फिर हम ट्रॉफिक हारमोन्स भी कहते हैं। अच्छा ऑक्सीटोसिन का तो नाम पूरा लिखते थे मैंने, ADH स्टैंड फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सही। सो ये हो गया जो हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पोस्टीरियर और मीडियन लोब्स बना रहे हैं, ठीक है। अब हम इनकी स्टडी स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मीडियन लोब, मीडियन लोब से हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी मीडियन इंटीरियर लोब से। इंटीरियर लोब क्या क्या बना रहा है वाला, सोमैटोट्रॉफिक, थायराइड स्टिमुलेटिंग, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक है और गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन को हम बाज का ग्रोथ हार्मोन का भी नाम देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी चीज से नाउन है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये सीक्रेट होता है थ्रू आउट लाइफ, सही। इसके अंदर बेसिकली एक ना सोमैटोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर होता है जो कि हाइपोथैलेमस से आता है, ठीक है। ये हमने बात की थी ना कि हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, तो एक्टिवेट बाय सोमैटोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर, जो कि कौन आए, कहाँ से आएगा,
हाइपोथैलेमस रिलीज बाय हाइपो थैलेमस, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी तमाम बॉडी के ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है और ख़ुद पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ होता है, ठीक है। वैसे जो ग्रोथ है स्टॉप और एडोलेसेंस के, इंसान यानी जब अपनी जवानी की उम्र में आता है तो उस टाइम तक उसकी ग्रोथ रुक चुकी होती है, बट हार्मोन रिलीज होता रहता है, ठीक है। हाँ, बट हार्मोन प्रमोट प्रोटीन सेंसेस, ठीक है जी, प्रोटीन सेंस यानी प्रोटीन जो बनती है उसको ये प्रमोट करता है थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ के अंदर प्रोटीन सेंसेस को ही प्रमोट करता रहता है। अगर सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन एक्सेस में हो जाए, ठीक है, यानी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए तो क्या होगा, जाइजेंटिज्म हो जाएगा, जाइजेंटिज्म या फिर एक्रोमेगैली भी इसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, कि हाथ पांव काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे, यानी इंसान काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सही। और ये यानी एक किस्म की बीमारी है, देख खूबी नहीं है किसी का ज़्यादा बड़ा होना, बीमारी है। मतलब जो आलम चन्ना था, मतलब टालेस्ट मैन जो सा है, तो वो बेसिकली बीमार आदमी था। इस तरह एक्रोमेगैली है कि सर का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना, ठीक है, हाथ पांव भी बड़े हो जाते हैं और एबनॉर्मल डेवलप होते हैं, बेसिकली नॉर्मल नहीं होते। और अगर एक्सेस की जगह पे अंडर स्क्रीशन हो, ठीक है, यानी कम स्क्रीट हो, फिर ड्वार्फिज्म हो जाती है। ड्वार्फिज्म से मुराद के बोने, ठीक है, बोने हो जाते हैं, नहीं वो उनका क्या लें कि कद ही नहीं पर आ सकता, काफ़ी छोटे हो जाते हैं। ओके, सो ये हो गया सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का पहला हार्मोन था। उसके बाद हम देखते हैं दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से जाहिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जिसने क्या करना होता है थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, सही। यानी वैसे इसकी जो कह लें कि मैसेंजर डायग्राम कह लें कि मैसेज जोन सा आएगा, सबसे पहले कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस से, यानी हाइपोथैलेमस एक फैक्टर रिलीज करेगा, जैसा सोमैटोट्रॉफिक फैक्टर था यहाँ पे, वो फैक्टर रिलीज करेगा जिसे हम कहेंगे दैट इज थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये किधर आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे आके ये रिलीज करवाएगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग कह लें या स्टिमुलेटिंग, बल्कि कह लें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और ये आगे जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, फिर उससे T3 और T4 बनेंगे, ठीक है। T3 T4 हम आगे जाके देखेंगे होते क्या हैं, यानी थायरोक्सिन 3 और इसे हम कहते हैं ट्राई आइडो थायरोक्सिन और टेट्राइडो थायरोक्सिन, सही। सो ये भी अर्ली लाइफ के अंदर ज़्यादा डेवलप होता है क्योंकि ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट आगे कंट्रोल कर देना, थायराइड का बहुत फंक्शन है, तो ये अर्ली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन होता है, फिर आस्ते आस्ते इसकी स्क्रीशन स्लो डाउन हो जाती है और फिर जब ज़रूरत होती है उस टाइम रिलीज होते हैं, सही। और बेसिकली ये कर क्या रहा होता है, यानी एक्टिवेट थायराइड ग्लैंड, ठीक है, कि थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा जो कि फिर आगे अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो अर्ली डेवलपमेंट एज है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का आगे हम फंक्शन पढ़ेंगे कि ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर रहा होता है, सही। और ये रिक्वायर्ड होता है जब ग्रोथ का पीरियड हो, ज़्यादा ग्रोथ का पीरियड हो, उस टाइम ये ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अगर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसके बाद हम आते हैं एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसे हमने
ACTH का था, एड्रीनो कार्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। तो इसका भी एक फैक्टर रिलीज होगा जिसे हम एड्रीनो कार्टिको ट्रॉफिक फैक्टर कहेंगे। कहाँ से रिलीज होगा? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, अब ये इतना मुश्किल है, एड्रीनो कार्टिको ट्रॉफिक, ठीक है, इसे हम फैक्टर कह देंगे, ATF कह देंगे। ठीक है, रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपो थैलेमस, ये आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर ACTH बनाएगा। और ये फिर आगे जाके किस पे एक्ट करेगा? एड्रीनल ग्लैंड पे, सही, एड्रीनल ग्लैंड्स पे। जबकि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था वो थायराइड पे एक्ट कर रहा था, ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है तो ये एड्रीनल ग्लैंड्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा। फिर एड्रीनल ग्लैंड जो है वो हेल्प करता है इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर ना, इमरजेंसी कंडीशंस जो से होती है ना उसके अंदर ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करता है, तो उसके अंदर ये बहुत हेल्प करता है। सही। सो अगर ACTH कह लें कि अगर जिसे हम कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन कह रहे हैं कि अगर ये ज़्यादा या कम हो जाए, इसकी वजह से भी कह लें कि बीमारी होती है, बीमारी कह लें या सिंड्रोम कह लें, सही, और दूसरा मेंटल फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है। यानी एड्रीनल फंक्शन क्योंकि थोड़ा बहुत इसका रोल होता है आपकी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन के लिए तैयार रखना, तो वो बॉडी इमरजेंसी कंडीशन में सही परफॉर्म नहीं कर पाती। अच्छा, चौथे हार्मोन जो कि इसका आखिरी हार्मोन है जिसे हम कहते हैं गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, इसके बारे में आते हैं। तो इसकी हम पहले से ही क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स के अंदर हमने कौन कौन से हार्मोन्स देखे थे। एक LH है, ठीक है, और मेल्स के अंदर जो है ना वो ICTH है, ICTH है, और एक आ जाएगा FSH, FSH स्टैंड फॉर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थोड़ा सा और नीचे, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम LH जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तो LH जो है ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा इसका फंक्शन होता है, ठीक है। सही, और LH का जो है वो डेवलपमेंट कह लें या फीमेल के अंदर ना मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके अंदर हेल्प करता है, नहीं हेल्प इन मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे मेंसेस भी कहते हैं, तो ये फीमेल्स में होता है उसके अंदर ये हेल्प करता है, ठीक है। यानी उसके अंदर जो फोलिकल्स हैं, फोलिकल्स की रैप्चरिंग के अंदर हेल्प करता है, फोलिकल्स रैप्चरिंग है, और प्रेगनेंसी के अंदर भी हेल्प करता है इन द केस अगर प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी को स्टेबल रखने के लिए। फिर उसके अंदर ओस्ट्रोजिन के साथ प्रेगनेंसी के केस में फिर ये ओस्ट्रोजिन रिलीज करवाता है, ओस्ट्रोजिन के साथ इसका फंक्शन होता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। सही, इंटरस्टिशियल सेल कह लें, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ICSH है, ये सॉरी ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेंस के अंदर हेल्प करता है, ठीक है, ये वुमेन के लिए था, और जबकि ये मैन, मेंस नहीं, MEN, मैन, मैन के अंदर इसका फंक्शन होता है कि ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, इंटेस्टिस, उनको ये कह लें कि एक्टिवेट करता है टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन आगे जाके फिर स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हेल्प करता है, ठीक है, वो हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह हेल्प करेगा। अच्छा, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि इम्पॉर्टेंट है कि ये फोलिकल्स की कह लें कि जर्मिनेट करता है, जो कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो फोलिकल्स बनते हैं
या जैसे ओवम कह लें, एग या ओवम, ठीक है, यानी फॉलिकल्स मेच्योर होते हैं, मेच्योर होने के बाद वो एग्स या ओवम बनते हैं, ठीक है। तो ओवम की यानी ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कह लें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये हेल्प आउट करता है, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। अच्छा, एक और हार्मोन है जो मैं पीछे मिस कर गया हूँ, वो भी इन्हीं के साथ वर्क करता है, उसे हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, सही। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है, ठीक है, जब डिलीवर सॉरी डिलीवर क्या गया, जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के फोर्थ में क्या प्रोलैक्टिन, अच्छा प्रेगनेंसी के फौरन बाद प्रोलैक्टिन रिलीज होना शुरू होता है, कि ओस्ट्रोजन स्टिमुलेट करते हैं प्रोलैक्टिन को ना, और प्रोलैक्टिन किस में यूज़ होगा, क्या कहें कि मिल्क प्रोडक्शन, इन इन मदर कर लें, मदर के अंदर मिल्क प्रोडक्शन की ये में हेल्प करते हैं प्रोलैक्टिन जो है। ये चारों हार्मोन जो हैं, वन न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन ICSH, 3 एंड 4 प्रोलैक्टिन, जो कि यानी रिप्रोडक्शन से इनका सिस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करेंगे। यानी न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये साइड बाय साइड वर्क करते हैं फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर प्रेगनेंसी के लिए, और फॉलिकल्स डेवलपमेंट जो भी है, रैप्चरिंग फिर उसकी, और फिर उसमें से ओस्ट्रोजन रिलीज होता है इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, वहाँ तक ये हेल्प करते हैं। प्रोलैक्टिन प्रेगनेंसी के बाद रिलीज होता है, ओस्ट्रोजन के साथ साइड बाय साइड वर्क करता है, और इसमें मिल्क प्रोडक्शन है और सकलिंग में भी हेल्प करता है, सही। ओके, इसके अलावा ये हो गया हमारा इंटीरियर पोस्ट पिट्यूटरी। अगर हम मीडियल लोब की तरफ आए, मीडियल लोब में हमने एक ही हार्मोन देखा था, उसे हमने कहा था सोमैटोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, सोमैटोट्रॉफिक सॉरी मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिक तो इसमें ही था, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अच्छा मेलानोफोर क्या होता है, हार्मोन है जो कि मेलानोसाइट्स, ठीक है, यानी ये स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट फॉर मेलानिन प्रोडक्शन, मेलानिन प्रोडक्शन। अब मेलानिन क्या होता है कि यानी मेलानोसाइट्स तो आपके स्किन सेल्स होते हैं ना, ठीक है, दिज आर स्किन सेल्स, मोस्टली स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और मेलानिन जो है ना, ये डार्क पिगमेंट होता है, डार्क पिगमेंट। आपने नोट किया होगा, आप अगर ज़्यादा देर धूप में रहें तो आपको वो हिस्सा काला हो जाता है, ठीक है, नहीं डार्कर शेड हो जाता है। वजह क्या होती है कि उसके अंदर मेलानिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो जो सनलाइट है वो इस प्रोसेस को इनिशिएट करती है, ठीक है, सनलाइट के अंदर मेलानिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सनलाइट जो है वो मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक्टिवेट करता है, फिर वहाँ से मेलानिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और इसमें स्किन जोन से है वो डार्क हो जाएगी। अगर ये एक्सेस में हो जाए, द केस ऑफ एक्सेस अगर मेलानोसाइट्स, तो उस टाइम एडिसन डिजीज़ होती है, और उसके अंदर स्किन डार्क हो जाती है बहुत ज़्यादा पेशेंट की ना, एडिसन डिजीज़ उसे हम कहते हैं। सो ये हो गया मीडियल लोब में, जिसके अंदर हमारे पास एक ही हार्मोन है, इट इज़ मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेलानोसाइट को मेलानिन प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है। ओके, इसके बाद है लास्ट के अंदर पोस्टीरियर लोब है हमारे पास, पोस्टीरियर लोब के अंदर हमारे पास दो हार्मोन्स हैं, एक है दैट इज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसे बाज को वैजोप्रेसिन भी कहते हैं, वैजोप्रेसिन, और सेकंड वन है ऑक्सीटोसिन, सही। ADH क्या करता है, ये वाटर रिटेंशन करता है, इट हेल्प्स इन द वाटर
रिटेंशन किडनीज के अंदर इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है, यानी ये वाटर रिटेंशन करता है और इस तरह ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है ये। और इनको एक्टिवेट कौन करता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन जो जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट किस तरह होते हैं, कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को वो एक्टिवेट करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास एडीएच रिलीज होगा। एडीएच क्या करेगा, वाटर रिटेंशन, ठीक है, जब ब्लड में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो फिर वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं उस वो वाटर को रिटेन करना शुरू कर देते हैं, यानी आपकी जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगी, सही। और अगर एडीएच रिलीज ना हो फिर क्या होगा, तो यूरिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगी, ठीक है, यानी अगर एक्सेस में है हमारे पास, अगर एडीएच ज़्यादा एक्सेस में है तो वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी, वाटर रिटेंशन होगी और यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगी, जबकि कंसंट्रेटेड जबकि अगर एक्सेस की जगह पे लो क्वांटिटी हो अगर एडीएच की, तो वाटर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यूरिन जो सी है वो डाइल्यूट हो जाएगी, ठीक है, और जब यूरिन बहुत ज़्यादा और एक्सेस यूरिन आएगी, ठीक है, पेशेंट को बार बार यूरिन आएगी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडियस, डायबिटीज इंसिपिडियस, सही, कि बार बार पेशेंट को पेशाब आना शुरू हो जाता है और उसकी वजह क्या होती है कि एंटी डायबिटिक हार्मोन सही तरीके से रिलीज़ नहीं होता, ठीक है, कम रिलीज़ हो रहा होता है या फिर किडनी पे उसका अफेक्ट नहीं हो रहा था। लास्ट में है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन भी इनका फीमेल में ज़्यादा इसका फंक्शन है, एक तो ये सर्विक्स की डिस्टेंशन करता है, सर्विक्स जो कि विजाइना का पार्ट है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है सर्विक्स की, इसके अलावा ये प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल को लो करता है प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी भी नहीं बल्कि आपके चाइल्ड बर्थ के अंदर हेल्प करता है, चाइल्ड बर्थ के अंदर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इसका जो वजाइनल मसल्स हैं उसके ऊपर फंक्शंस होता है, स्मूथ मसल्स के ऊपर, और मिल्क इजेक्शन के लिए भी हेल्प, यानी मिल्क इजेक्शन के अंदर भी ये हेल्प आउट करता है, सही। सो सर्विक्स डिटेंशन प्रोजेस्टेरॉन लेवल को लो करता है, ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली इसका लेवल उस टाइम रेज होता है जब चाइल्ड डिलीवरी और डिलीवरी के केस में, और चाइल्ड बर्थ में स्मूथ मसल जो के वजाइनल स्मूथ मसल्स हैं उसको ये कह लें कि एक्टिवेट करता है डिलीवरी के लिए, प्रिपेयर करता है और फिर मिल्क इजेक्शन के अंदर इसका हेल्प है। सो ये हो गया हमारा आज का पिट्यूटरी ग्लैंड, कल हम थायराइड और पैराथायराइड को स्टडी करेंगे।